हेलो नमस्कार दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बड़ी खबर है, 28 जनवरी को हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल से मांगा समय। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड कैबिनेट का विस्तार 28 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से समय मांगा है। दोस्तों बताया गया है कि राज्य में हालिया दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं से व्यथित सीएम ने गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए 28 जनवरी की तिथि तय करने का आग्रह किया है। इस दिन राजभवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कोटे के कुल 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों इससे पहले बीते 24 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने गुदड़ी नरसंहार और लोहरदगा हिंसा को लेकर इसे टाल दिया था। अब तक सीएम के अलावा झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस के 2 मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव तथा राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली है। हालांकि इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। दोस्तों खबर है, प्रधानमंत्री मोदी बोले, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन लोगों को संदेश देश की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की जिन्होंने किसी कारणवश हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है, बातचीत और शांति से ही किसी भी मसले का हल निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से खेलो इंडिया कार्यक्रम और देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे जल संरक्षण अभियान से भी जुड़ने की अपील की। गणतंत्र दिवस समारोह की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम के समय में बदलाव किया गया था। उन्होंने शाम 6 बजे इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। और दोस्तों बड़ी खबर है, राजपथ पर नारी शक्ति ने दिखाया अपने शौर्य का नया रूप, भारत के सैन्य पावर की दिखी धमक। दोस्तों 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुश्मन को सैन्य पावर के पराक्रम का संदेश देने के साथ भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत से रविवार को दुनिया रूबरू हुई। राजपथ पर सैन्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम के इस अनोखे संगम के बीच देश की नारी शक्ति के शौर्य का बेमिसाल स्वरूप भी नजर आया। सेना की परेड टुकड़ी का नेतृत्व जहां पहली बार युवा महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल ने किया, वहीं पहली बार सीआरपीएफ के महिला मोटरसाइकिल दस्ते ने अपने हैरत अंगेज कर्तव्यों से राजपथ पर रोमांच की नई लकीर खींच दी। गगनभेदी मिसाइलों के प्रतिरूप के बीच आसमान को चीरते हुए क्षण भर में दुनिया दुश्मन को ध्वस्त करने की गर्जना का संदेश देते सुखोई और जगुआर लड़ाकू विमानों के हैरत अंगेज आसमानी करतब इसके गवाह बने। लोगों के लिए अविस्मरणीय क्षण से कम नहीं रहे। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और उनके साथ आए विदेशी मेहमान भारत के सैन्य व सांस्कृतिक ताकत के दिलकश नजारों से रोमांचित होते रहे। दोस्तों बड़ी खबर है, टैक्स सेविंग्स के नए तरीकों को मौजूदा कानूनों से नहीं मिल रही कोई मदद, सुधार की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर है, भारतीय बचतकर्ता और निवेशक टैक्स चुकाने के नए तौर तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों व्यक्तिगत निवेशक हर माह 8,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम SIP में निवेश कर रहे हैं। ताजा निवेश का यह प्रवाह काफी स्थिर है और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की रकम को भी जोड़ ले तो यह भारतीय इक्विटी मार्केट का मजबूत आधार बन गया है। निवेशक जहां महंगाई दर से अधिक रिटर्न देने वाले और लंबी अवधि के निवेश की नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, वहीं कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर हमारा कानून अभी पुरानी सोच में उलझा हुआ है। भारत में इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर बढ़ती अर्थव्यवस्था के बजाय काफी हद करीब 5 दशक पहले के अमीर विरोधी विचार पर खड़ा है। इसके अलावा यह ऐसे निवेशकों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है जो अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं और बड़ी रकम जुटाना चाहते हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, इनकम टैक्स विभाग से ईमेल मैसेज आया तो दोस्तों ऐसे चेक करें ईमेल या संदेश सही है या नहीं। दोस्तों आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई ईमेल या मैसेज मिला है, इस मेल या मैसेज से आपसे किसी तरह की जानकारी मांगी गई है तो सबसे पहले ईमेल या मैसेज की सत्यता की जांच जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि कोई फिशिंग की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स ने लोगों की इस उलझन को दूर करने के लिए टैक्स पेयर्स को ईमेल भेजकर विभाग के सभी आधिकारिक
मेल, ईमेल आईडी, एसएमएस, सेंडर आईडी और यहां तक कि वेबसाइट की जानकारी दी है। दोस्तों विभाग ने ईमेल में लिखा है कि दिए गए लिस्ट के अलावा अगर किसी अन्य आईडी से मेल या मैसेज आए तो उसे ओपन न करें एवं किसी तरह की जानकारी साझा न करें। इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे ईमेल में लिखा गया है, क्लिक करने से पहले हमेशा जांचें, केवल इन्हीं स्रोतों पर यकीन करें। उल्लेखनीय है कि टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बताकर लोगों से संवेदनशील जानकारी लेने की कोशिशों को लेकर विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद आयकर विभाग ने यह सूची जारी की है। दोस्तों खबर है इनकम टैक्स में कटौती के अलावा इन मोर्चों पर भी मिडिल क्लास को मिल सकती है राहत। दोस्तों खबर है पिछले वर्ष मिली कॉर्पोरेट टैक्स में छूट के बाद अब सबकी निगाहें आगामी आम बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स में मिलने वाली संभावित छूट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खजाने की हालत को देखते हुए इस दिशा में कितना कदम बढ़ा पाती हैं यह तो बजट आने पर ही स्पष्ट होगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में सरकार अन्य उपलब्ध विकल्पों के जरिए व्यक्तिगत आयकर में राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि बीमा क्षेत्र में निवेश पर मिलने वाली आयकर छूट एक बड़ा विकल्प हो सकती है, खासतौर पर चुनिंदा बीमा प्लान इस आशय का कदम उठाया जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में निवेशक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यक्तिगत आयकर की छूट में वृद्धि कर सकती है। एगोन लाइफ इंश्योरेंस के MD व CEO विनीत अरोड़ा मानते हैं कि यह प्लान न केवल सस्ते बल्कि ग्राहकों के लिए बेहद उपयोगी है। सरकार को ऐसे प्लान में निवेश करने पर 25,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का प्रावधान करना चाहिए। लोगों में बीमा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA भी लगातार टर्म बीमा प्लान को प्रोत्साहित कर रहा है। अभी बीमा में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत व्यक्तिगत आयकर पर छूट का प्रावधान है। और दोस्तों बड़ी खबर है चीन के जिस शहर में फैला कोरोना वायरस वहां की मार्केट में मिलते हैं अजीबोगरीब जंगली जानवर। दोस्तों इन दिनों दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर चिंता की जा रही है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे कई देश इस वायरस को लेकर अपने यहाँ पहले ही अलर्ट घोषित कर चुके हैं। सबसे पहले ये वायरस चीन में पाया गया, उसके बाद से ही वहां पर अलर्ट है। इस वायरस से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों का अलग अलग देशों में इलाज चल रहा है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि चीन के किस बाजार में इस वायरस के फैलने की सबसे अधिक संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों चीन के वुहान शहर में इससे जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाला वुहान एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। चीन के शंघाई शहर में खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार है, यह बाजार वुहान शहर में है। इसी बाजार में सबसे पहले कोरोना वायरस के सामने आने की बात कही जा रही है। इनमें कस्तूरी बिलाव जैसे कई ऐसे जीव हैं जिसका संबंध चीन में पहले भी महामारियां फैलाने से रहा है। इस बाजार में खाने के लिए भेड़िए के बच्चे से लेकर कस्तूरी बिलाव जैसे विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव मिलते हैं। और दोस्तों खबर है पाक में कोरोना वायरस की दहशत, चीन 4 संदिग्ध मरीज मिले, वुहान में फंसे 500 पाकिस्तानी छात्र। दोस्तों खबर है चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की दहशत पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बताया कि बीमारी का लक्षण दिखने के बाद मुल्तान और लाहौर में 4 चीनी नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानियों में दहशत को देखते हुए NIH ने बयान जारी कर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी पुष्ट केस सामने नहीं आया है। दोस्तों NIH प्रमुख मेजर जनरल आमिर इकराम ने बताया कि जुकाम, बुखार और खांसी के लक्षण देखे जाने के बाद मुल्तान के निस्तर अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराया गया है। हालांकि ICU में उसकी हालत स्थिर है। पाकिस्तान में खौफ की एक दूसरी और माकूल वजह भी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोई भी ऐसी लैब नहीं है जहां कोरोना वायरस के मामलों की पहचान की जा सके। यही कारण है कि मरीजों के खून के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए चीन भेजा गया है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि संदिग्ध मरीज चीन से दुबई और उसके बाद 21 जनवरी को कराची पहुंचा था। दोस्तों खबर है पाकिस्तान में बोले भारतीय उप उच्चायुक्त, 72 भविष्य के लिए दोनों देश करते रहेंगे काम। दोस्तों भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव आहलूवालिया इस्लामाबाद में बोले भारत और पाकिस्तान को लगभग एक साथ आजादी मिली थी, हम दोनों देश लोगों का बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। और दोस्तों बड़ी खबर है डेल्टा एयरलाइन ने 3 मुस्लिम यात्रियों को हवाई जहाज से उतारा, लगा $50,000 का
जुर्माना। दोस्तों अमेरिका ने मुस्लिम यात्रियों को जहाज से उतारे जाने के लिए $50,000 का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी परिवहन विभाग का कहना है कि ये डेल्टा एयरलाइंस का विमान था जिसमें 3 मुस्लिम यात्री बैठे हुए थे। इन तीनों को एयरलाइंस के स्टाफ ने जहाज से उतार दिया, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अमेरिकी परिवहन विभाग का कहना है कि डेल्टा एयरलाइंस ने ऐसा करके मुस्लिम यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस के पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे, उनको कल्चर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर काम न करें। डेल्टा एयरलाइंस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मुस्लिम यात्री सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको फ्लाइट से उतारा गया, लेकिन इसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि गलत है। डेल्टा एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। डेल्टा एयरलाइंस के जहाज से किसी यात्री को उतारे जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आ चुके हैं। यात्रियों के अलावा कुछ साल पहले इस विमान में 33 घंटे तक एक कुत्ते को बंधक बनाए जाने का भी मामला सामने आ चुका है। पेरिस के चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे पर जुलाई 2016 को एक मुस्लिम जोड़े को डेल्टा फ्लाइट 229 से उतारने की घटना हो चुकी है। दोस्तों फ्लाइट कैप्टन ने आदमी को अल्लाह शब्द अपने मोबाइल में लिखते हुए देखा। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने डेल्टा की कॉरपोरेट सिक्योरिटी के साथ इस बारे में बातचीत की और यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया।